हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे पीएच वीडियो के। मैं हूँ हितेश और मैं प्रियंका। हम लोग वेल एक्सप्लोर करेंगे हमारे प्यारे भारत को और आप सबको भी घुमाएंगे। और फिलहाल हम लोग हैं पिंक सिटी जयपुर में। जयपुर आने का कोई खास रीज़न तो नहीं था, बस हमारा फर्स्ट ब्लॉग है तो दिल्ली के बहुत पास है। हम लोग फिलहाल दिल्ली में ही रहते हैं, बस वहाँ से जयपुर आ गए और ब्लॉग शूट कर रहे हैं। आई होप आप सबको पसंद आएगा ये ब्लॉग। उसके अलावा जब हम ट्रैवल नहीं कर रहे होंगे तो डेली लाइफ के ब्लॉग्स आप लोग देखेंगे और बस आप इंजॉय कीजिए। हैं? घर की चाबी तो मैं भूल गया यार, कहाँ रखी थी? इसमें है ना। चलते जा रहे क्या हम एल्बर्ट हॉल म्यूजियम और जू देखने के लिए? पता नहीं कहाँ पहुँच गए। अब इसको कुछ और चीज़ दिखाए, इसको दिखाइए। खींच ली फोटो, आ जा चल। मौसम के आसार कुछ ऐसे ही कभी भी बरस सकता है, क्योंकि दो दिन से जयपुर में बारिश हो रही है। आज नहीं हुई फिलहाल तो अभी तक, अब देखते हैं आगे हुई तो कुछ करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। छाता लेके भागना पड़ेगा। फिलहाल तो हम जा रहे हैं एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जो कि पता नहीं कहाँ है। हाँ शायद इसी तरफ है। एक तो पार्किंग ही मिली, उसके बाद ट्रैफिक, अब बड़ी मुश्किल से सब कुछ हो गया। तो अब जा रहे हैं एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। वो सामने है, वो सामने देखिए। एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के आसपास उसने किसी ने बोला था कि जू भी है, जू भी दिखा नहीं, वहाँ पे देखते हैं। वहाँ पे लोग कबूतरों को चारा डाल रहे थे, तो वो भी देखेंगे, वो भी डालेंगे हम लोग। मैं नहीं डालूंगी। क्यों रे? इतना आते रोज कबूतर देखे। हाँ वो भी है, नहीं बहुत सारे यहाँ पे, उनको चारा डाल सकते हैं। वो कौन सा घर आ रहे हैं हमारे? इस तरफ पूरा गार्डन है और यहाँ पे कोशिश करिए का है, लेकिन बहुत बड़ा एरिया है ये। चल गुड़िया के बाल खाते हैं। ये रे गुड़िया के बाल। सेंट्रल म्यूजियम ही बोलते हैं इसको, जो कि सामने लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे कबूतर हैं। अभी हमने बड़ी मुश्किल से करते कराते थके हारे एंट्री कर ली है एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के अंदर। पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं, मास्क से दब रही होगी आवाज़। भाई अभी किराया है यहाँ का 50 रुपये पर बंदा, और बंदी, हाँ बंदी भी, और नाइट शो देखना है तो उसका है 100 रुपये पर बंदा बंदी। तो ये हिसाब है। हाँ 6:30 से 9 है उसका टाइमिंग। हाँ उसका टाइमिंग 6:30 से 9 है, तो बहुत लेट है। हम लोग चले जाएंगे यहाँ से तब तक, 1 घंटे में शायद। उसके बाद यहाँ पे कुछ जू भी है, तो जू का देखते हैं कहाँ है क्या है। हाँ तो उसके बाद शायद जू जाएंगे, फिर जू आगे जाएंगे। है नहीं, कुछ उस पर यहाँ भी है। इसने मेरे को दुनिया के सारे जानवर बना रखे हैं जू के। जू जाने क्या फायदा? इसको फायदा नहीं है, मेरे को तो है। अरे खुद को शीशे में देख लेना। ऐसा कुछ नहीं होता, खुद को शीशे में देख के मजे नहीं आते। जो कि हमको यहाँ से पता चलता बेसिकली घंटा ही होता है उनका बर्मीज। अभी ये सब बहुत है, बेस और उस जमाने के शायद कुछ होंगे, बहुत सारे बेस हैं और क्या है, अलग अलग पॉट्स हैं अलग अलग साइज के। दिखने में
हंगेरियन पार्टी। भाई इतना बड़ा है ये म्यूजियम और अंदर इतनी सारी कलेक्शन है, कुछ कहेंगे वो नहीं। मज़ा आ गया अंदर जाके, इसको कुछ खास मज़ा नहीं आया क्योंकि इसको सब इतना पसंद नहीं आता ना। अब हम जा रहे हैं, देखते हैं ज़ू की ओर को जाएंगे, ज़ू कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा, पहले पूछते हैं किसी से। म्यूज़ियम में मेन है पॉटरी कलेक्शन इनका, तो पॉटरी अगर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी का फेवरेट सब्जेक्ट है, तो वो यहाँ पर आके देख सकते हैं पॉटरी के कलेक्शन से आके। तो ज़ू तो बता रहे हैं आज बंद है, तो खाना खा के हो गया, मज़ा आ गया। खाना ठीक ठाक था लेकिन 5:30 बजे खाया ना लंच के लिए, मुझे तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। इसको पता नहीं कैसे। चलो अब हम आ गए गलता जी टेम्पल, तो मंदिर है ये, देखते हैं। यहाँ पे बहुत नाम सुना है जयपुर में, काफ़ी फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है वो देखना पड़ेगा। वैसे जब हम यहाँ को आ रहे थे तो रास्ता पूरा जंगल से आता है ये रास्ता यहाँ आने के लिए, और वहाँ पे इतने मोर हैं ना, बहुत ज़्यादा मोर हैं वहाँ पे, आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब एक साथ के सारे मोर तो मैंने भी देखे, और लंगूर भी हैं बहुत सारे, बट सेफ है रास्ता, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अंदर गुफा वगैरह तो कहीं गए नहीं, वो सब बंद था, उसके अलावा मंदिर भी पूरा बंद है। अब हम जाएंगे, पहले तो लंच करते हैं उसके बाद फिर कहीं जाएंगे। हवा महल का भी प्लान है, हवा महल अब जा पाएंगे या नहीं वो देखना पड़ेगा, जा भी सकता है, बस वहाँ पार्किंग का थोड़ा इशू है, पता नहीं कहाँ होती है, पता भी नहीं चल रहा वहाँ पे कुछ, और वहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा है, तो देखते हैं। फ़िलहाल के यहाँ पे कुछ छोटा सा ग्राउंड है जैसा है आपको दिख रहा होगा ये, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, पूजा का वेट कर रहा हूँ। अब हम जा रहे हैं सिसोदिया, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सिसोदिया रानीबाग। चल एंट्री फीस यहाँ की है शायद 50 रुपये, अब हमारा कॉम्पोजिट था तो मेरे को ध्यान नहीं है, 50 रुपये होना चाहिए शायद, बाहर लिखा हुआ है। ये जगह वैसे काफ़ी अच्छी है, अच्छे से मेंटेन करके रखी हुई है लोगों ने, बाकी कुछ नया काम भी चल रहा है शायद, यहाँ पे पानी भरेंगे और लाइट शो होगा या फाउंटेन होगा कुछ। ये देखो कितनी बड़ी जगह है, ये पूरा शायद एरिया यही है। यहीं पर ही रेस्टोरेंट भी दिख रहा है, देखते हैं खुला है कि नहीं है, नहीं तो कुछ यहीं पर ही खा लेंगे। हवा महल देखने हैं, फिर उसके बाद 5 बजे तक चौकी धानी भी जाना है, का टाइम ही मिलेगा। चौकी धानी कितना दूर है? ठीक थोड़ा दूर है वहाँ से, हवा महल से देखना। हवा महल पहुँचना ही पहले से बड़ी बात है। हाँ वो भी है। कितना ट्रैफिक है, चौकी धानी। तो यहाँ पर तो आके हमको रेस्टोरेंट कहीं मिला नहीं, अगर होगा भी तो हमको पता नहीं चल रहा है कहाँ है, इसके लिए अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं दूसरी जगह पे, कोई और एक और बाग है वहाँ जाके देखते हैं कि क्या है वहाँ पे, कुछ मिलेगा कि नहीं खाने के लिए, तो बाग देख के फिर हम चले जाएंगे सीधा हवा महल, उसके बाद कुछ खाएंगे या पहले कुछ खाएंगे फिर हवा महल देखेंगे, उसके बाद फिर चौकी धानी। चौकी धानी में भी शायद खाने का कार्यक्रम 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है वैसे तो, हाँ वो तो वहाँ के टिकट में ही इंक्लूड होता है, बट वो डिनर होगा, अभी तो लंच भी नहीं हुआ है। इस पेड़ को गंजा कर दिया गया है, ये हैरी पॉटर का जादुई पेड़ जो अपने पत्ते झाड़ लेता है। तो पूजा बता तेरे को कैसा लगा जयपुर में पहला दिन? अच्छा, मरे मन से मत बोल, अच्छे से बोल। गई ना, ओ, कल घूमूंगी शॉपिंग करूंगी तब अच्छा लगेगा। हाँ शॉपिंग करने के सभी को अच्छा लगता है। वैसे बहुत भीड़ है यार जयपुर में, बाप रे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है शहर में। तो हमने डिनर मंगा लिया था, डिनर आ चुका है, अब हम डिनर करेंगे, और अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना बचा है, और जितना ट्रैफिक है जयपुर में उसके हिसाब से तो हमें कल बहुत ही जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी कवर नहीं हो पाएगा, मेरे को ऐसा ही लगता है। और यहाँ से चीज़ें थोड़ी दूर भी हैं, देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ जा पाते हैं।
तो उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आज का दिन हमारे साथ अच्छे से गुजरा होगा, 10 मिनट 5 मिनट जितना भी लंबा ये ब्लॉग बनेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, और हमारे साथ घूमने के लिए एक्सप्लोर करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।